जय हिंद दोस्तों। आज देखिए जी, मशीन का जो क्वार्टर सेटिंग करना है ना, क्वार्टर का आगे पीछे रहेगा कि तो कैसा करना है आपको बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो देखिए, ठीक है ना, वीडियो देखिए और इसमें से जानकारी आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए ये जो क्वार्टर स्टेज इसे पकड़ के मारो, उठो ना, एक मिनट, देख देना एक ऐसा हिल रहा है। ऐसा जब हिलेगा तभी सोच लीजिए कि अंदर का बेरिंग गया होगा। ये जो बेरिंग लगा होगा, बेरिंग सेक्शन, देख रहे ना, हाई स्पीड मशीन में ऐसे ही होगा, डायरेक्ट बॉटम वाला मशीन में। देखिए ये जो सेक्शन है, सेक्शन से बाहर आके इसका ये देखिए बेरिंग है 6201 बेरिंग, और उसका टाइमिंग जो क्वार्टर का टाइमिंग लगता है बेरिंग लगा है बड़ा, इसी का बोल्ट लूज होगा, नहीं तो क्या बेरिंग टूट जाने से ऐसा ही हिलेगा, ठीक है ना। आप लोग ये बेरिंग चेंज करवा दीजिए, और नहीं तो ये बोल्ट का अंदर बुश डाल के, वाशर डाल के बोल्ट का अंदर बोल्ट खोल देंगे। बोल्ट खोल के देखिए कैसे बता दे रहा हूँ। ये जो बोल्ट एक है, सोच लीजिए कि एक बोल्ट है, ठीक है ना, बोल्ट है, बोल्ट का अंदर इस तरफ क्या है ना गैप रहेगा, गैप रहेगा तो टाइट मारने पर जाम हो जाएगा ना, जाम होने से नहीं घूमेगा, बेरिंग तोड़ देगा। उसी लिए क्या करना है ना, इसी का अंदर जो है स्प्रिंग वॉशर, अपन का जो स्प्रिंग वॉशर आता है ना, M12 का स्प्रिंग वॉशर, नहीं तो एक छोटा छोटा भूसू आता है, M12 का भूसू आता है, बना दीजिए लेथ पे, बना के डाल देने से वो क्या होगा ना, वो नट बाहर आ जाएगा, नट बाहर आके रहेगा, ठीक है ना, बाहर हो जाएगा, और टाइट कर देने से इस तरफ से टाइट करके नीचे तरफ बोल्ट लगा दीजिए, बोल्ट लगा के टाइट मार देने से जाम टाइट कर देंगे, उसके बाद वो और हिलना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हिलने से देखिए क्या होगा ना, एक एक बार जो बॉटम रोल आता है, आप लोग को दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये जो बॉटम रोल देख रहे हैं ना, ये जो बॉटम रोल है, ये बॉटम रोल अंदर जाएगा, अंदर जाके क्या होगा ना, एक एक बार कटेगा, सही से कटेगा, और एक एक बार अपन डाउन होके कटेगा। अपन डाउन होके कटने से क्या होगा ना, कप का अंदर देखिए, कप का अंदर ये जो साइड पूरा फिनिशिंग आ रहा है ना, ऐसा फिनिशिंग नहीं जाएगा, वो अंदर एक तरफ उठ जाएगा और एक तरफ नीचे चले जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको पहले देख लीजिए कि ये जो ये कैसे हिलना बंद होगा, ये जैसे दबाएंगे पर हिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये जैसे हिल रहा है, उठ रहा है और गिर रहा है, ऐसा हिलना नहीं चाहिए, और आवाज़ भी आएगा अलग से, धड़क धड़क करके आवाज़ आएगा, इसलिए उसको ध्यान दीजिए, ध्यान देकर टाइट कर दीजिए। और अगर ऊपर, अगर ये जो कटर कटिंग करने के बाद में ये जो वेस्टेज है, जाने के टाइम पे अगर कटर में ऊपर तरफ लगे तो समझ लीजिए कि कटर का सरप्राइसिंग का डेट आ गया है, कटर धार चला गया है, सरप्राइसिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो ऊपर में बार बार चिपकेगा, यहाँ पर चिपकने के बाद ऊपर आ जाएगा, ऐसा ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाने से उसको क्या करना है ना, ऊपर का डाई को खोल दीजिए, एक डाई सरप्राइसिंग मत मारिए, जब भी डाई सरप्राइसिंग करना है ना, तभी नीचे को भी पॉइंट टू, ऊपर को पॉइंट टू, ठीक है ना। यहाँ पे खोलना, डाई कैसे खोलना है बताया था पिछले वीडियो में, कटिंग डाई सेटिंग वीडियो में, इसमें ऐसे ही खोल दीजिए। देखिए हाई स्पीड मशीन में, जैसे डायरेक्ट बॉटम वाला मशीन में, ऊपर में 8 बोल्ट रहता है, 4 बोल्ट रहता है, ऐसे 4 बोल्ट खोल दीजिए, उसके बाद ये प्लेट खोल दीजिए, प्लेट खोल के उसका अंदर ये जो 4 बोल्ट खोल दीजिए, 4 खोल के उसका क्वार्टर निकाल के पीछे से सरप्राइसिंग करने के लिए दे दीजिए, जहाँ पे सरप्राइसिंग मशीन होगा वहाँ पे दे दीजिए, देने के बाद वो सरप्राइसिंग करके दे देगा, लगा उसे लगा देना है। एक मोल्ड, एक तो डायरेक्ट बॉटम का क्वार्टर सेटिंग करने के टाइम पे एक मोल्ड खोल देना है, एक मोल्ड खोल देने से क्या होगा ना, गैप मिल जाएगा, देख सकते हैं अंदर घुस के, जैसे कि देखिए कि ये जो मेल वाला क्वार्टर है, फीमेल वाला क्वार्टर को अच्छा से टच करना चाहिए, अगर सही से टच नहीं करेगा तो कटेगा नहीं, ठीक है ना, बॉटम कटिंग नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग उसको ही ध्यान दीजिए, नहीं तो क्वार्टर का, मेल वाला क्वार्टर का ये जो ब्लेड लगा होगा ना, वो ब्लेड टूट जाएगा, सरप्राइसिंग करके लेके आएंगे पैसा खर्चा करके, फिर यहाँ पे ला के फिटिंग करने का टाइम पे अगर मिस कर देंगे, इसको सोचिए कि ये अगर मिस हो जाएगा, इधर से सेंटर में रहना चाहिए, वो सेंटर में नहीं रहेगा, मिस हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो ब्लेड का ऊपर ही गिरेगा, ब्लेड का ऊपर गिरने से क्या होगा ना, ब्लेड टूट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसको सही से ध्यान दीजिए, ध्यान दे के लगाइए, और एक मोल्ड जो खोल देंगे, खोल देने से क्या होगा ना, आप उनको गैप मिल जाएगा, गैप मिल जाने से आप लोग देख सकते हैं अंदर कैसे, मतलब रोड जो जा रहा है, रोड सही से जा रहा है कि नहीं, और ये जो कटर ऊपर आ रहा है, ऊपर आने से मेल फीमेल कटर में आके सही से टच हो रहा है कि नहीं, नहीं टच नहीं होगा तो। और एक बात क्या है ना, यहाँ पे हाथ डालने से भी पता चल जाएगा, अगर यहाँ पे एक धार को जगह पे एक अट्ठा अट्ठा लगेगा, आप लोग को पता नहीं चलेगा, अगर नया होंगे तो पता नहीं चलेगा, पुराना अगर होंगे तो 4-5 साल चलाए होंगे कि बनाए होंगे तो पता चल जाएगा, क्या है ना, यहाँ पे एक गम के जैसा लगेगा, गम मतलब समझ रहे हैं ना, अट्ठा के जैसा लगेगा,
और ऐसे ही देखिए, देख लेने से लेके सरप्राइजिंग करना है, ठीक है ना दोस्तों। और क्या है ना, और देखिए कि ये जो गैप बढ़ाने के लिए जो क्वार्टर का जो ये जो गैप है ना अपना, जो क्या बोलते इसे बॉटम वेस्ट का गैप, ये गैप को बढ़ाने के लिए, मतलब ये अगर कम हो रहा है एक एक बार कट जाएगा। और एक एक बार देखिए कि इसी प्रॉब्लम के लिए बहुत भाई लोग फ़ोन करते हैं, इसलिए ये वीडियो में बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो गैप है, ये गैप अगर कम रहेगा, मतलब एक एक बार तो सही आ जाएगा, एक एक बार कम आएगा, ऐसा होने से पर क्या है ना, देखिए कि रोल बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे जो बॉटम बॉबिन लगता है ना, बॉटम बॉबिन बड़ा हो जाने से ऐसा होगा। नहीं तो और क्या है ना, बॉटम बड़ा बॉबिन तो हो सकता है, उसके लिए फिर क्या है ना, यहाँ पे जो एक साइड का जो बेरिंग रहता है, जो साइड पुलर बेरिंग रहता है, देख रहे हैं ना, इसके अपोजिट साइड में लगा है अपना दूसरा मशीन में, ये साइड में लगता है, ठीक है। वैसे देखिए, देख के इसको, ये बेरिंग अगर माइनस हो गया होगा तो क्या होगा ना, ये ऐसा एक एक बार बीच बीच में कट जाएगा। अगर आप उनको थोड़ा ज़्यादा करना है तो ये जो बोल्ट है इस तरफ में है, देखिए तो है ही नहीं इस तरफ में, इधर ही एक सेकंड दिखा रहा हूँ। हाँ देखिए, ये नीचे दिया है और कोई कोई मशीन में ऊपर देता है। देखिए ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट को लूज करके अगर हथौड़ा पे मारेंगे ना उस तरफ मारने से क्या होगा ना, थोड़ा सा गैप ज़्यादा होगा, और इस तरफ मारने से गैप कम होगा, ठीक है ना। मतलब ये अंदर तरफ मारेंगे तो गैप कम होगा और बाहर तरफ मारेंगे तो गैप ज़्यादा होगा, ठीक है। उसको देख लीजिए, देख के उसको सेटिंग कीजिए। इसमें क्या प्लास्टिक का लगा है, प्लास्टिक का कैम लगा है शायद, ठीक है सर, मशीन में प्लास्टिक का कैम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोग को वीडियो नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन जाने से आप लोग ये कर सकते हैं, मतलब वीडियो देख सकते हैं ना, कुछ बात पता चल सकता है। पेपर कप मतलब जो बता रहा हूँ ये बात, पेपर कप के इंटरेस्ट जिसको भी होगा, मतलब जिसको अपना अगर मशीन खुद का होगा, वही लोग ही ये वीडियो ये करना चाहिए। और फालतू में बेकार में अगर मशीन नहीं होगा तो कुछ ये नहीं होगा, इसको ये करने से क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। जो काम का चीज़ है वही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जो भी करना है कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना है, और अगले वीडियो में मुलाकात हो, ठीक है ना। और देख लीजिए कि और एक छोटा सा रह गया है, बता दे रहा हूँ। ये जो है ना, ये पोजीशन, ये कभी कभी देखिए कि बॉटम इस तरफ भाग जाएगा और इस तरफ भाग जाएगा। एक एक भाई लोग का भी आता है, उसी का भी बता दे रहा हूँ। एक एक देखिए कि ये जो बॉटम जब जाता होगा, बॉटम जब इस तरफ आता होगा, ऐसा बॉटम आता होगा, बॉटम आने का टाइम पर देखिए कि इस तरफ भाग जाता होगा, इस तरफ भाग जाएगा, इस तरफ से कम आएगा, वैसा आधा कट जाएगा। तभी क्या करना है ना, एक एक जो नया मशीन में वैसा होता है क्या है ना, ये जो रोलर का सेटिंग नया मशीन, पुराना मशीन में भी होगा, पुराना मशीन ये अगर घिसक जाने से ऐसा होगा। और इसलिए उसको खोल के, ये जो साइड में जो बोल्ट है ना, साइड में जो बोल्ट खोल के, चारों तरफ खोल के, उसके अंदर जो साइड अगर ये साइड खींच रहा है ज़्यादा तो इसी तरफ घुसाना है, अगर इस तरफ खींच के ले आ रहा है तो इस तरफ से पेपर घुसाना पड़ेगा। यहाँ से पैकिंग घुसा दीजिए, घुसा के टाइट कर दीजिए, जैसे कि देखिए लेबल में जाना चाहिए, उसे दबा के रॉड को दबा के इसे उठा दिए, उठा के खोल दिए, खोलने के बाद डाल दिए पैकिंग, पैकिंग डालने के बाद इसको दबा के देखिए कि सही से बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए इतना है, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।